एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे। अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्म में। जब नजरें मिली थी तो बत्ती सी तुमने भी दिखाई थी। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। अब देखो यार, आज हमारे साथ टॉक्सिक गर्ल खेल रही हैं। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो गाली गलौच वाली लड़की। हालांकि मैच में गाली गलौच नहीं है, पर आज बिना गाली के भी टॉक्सिक गर्ल फुल फॉर्म है। तो वीडियो को पूरा देखना, काफी ज्यादा मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं गोरे गोपाल और आगे की तरफ कुछ बंदे होते हैं, तो मैं आगे जा ही रहा था और तभी रुक रुक कॉल पे बोलने दो। आज का मैच है बहुत ही इंटेंस, बैठ जाओ होकर कूल, क्योंकि अब उतरे हैं हम जॉर्ज पुल। तो यार यहाँ पे उतरते ही मैं एक बंदे की पेटी बना देता हूँ और फिर आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि तीन वेयरहाउस की तरफ दो टीम के बीच में आपस में मुठभेड़ चल रही है। तो मैं भी यहाँ आता हूँ और यहाँ आते ही देखो क्या सीन होता है। तो मैं तो आपके पीछे ही। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। और भैया टक्कई से वापस आया बिल्कुल। मेरे को लगा कि ये बंदा अंदर चला गया है, अब पट्टी लगाएगा, पर चाचा ने रिवर्स गियर शॉट मार दिए थे, जो कि मैं भी बहुत पहले मारा करता था। खैर इनकी पेटी में जैसे ही बनाता हूँ तभी मुझे एक और बंदा दिखता है। बोट हो या प्लेयर, आ गया है फौजी, सबको करेगा क्लियर। अब पहले मुझे लगा था कि ये हमारे सम्मानीय आदमी बोट दादा हैं, इसीलिए कोई इनको नॉक छोड़कर चला गया, पर एक्चुअल में एक रियल बंदा होता है। तो इनकी भी मैं पेटी बनाता हूँ और आगे वाले बेलहाउस से फुर्सत टैप आ रही है, तो पकड़ते हैं उसे भी। ओपी अंदर आ जाओ, कंटेनर का बंदा और बाहर भी, उधर ही रहना ठीक है। अब सामने की तरफ मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं सोचता हूँ कि पट्टी लगा के उसके ऊपर रस करूंगा, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा ढीठ और चलाक व्यक्ति है। जैसे ही मैं उसके वेयरहाउस में जाता हूँ वो आगे की तरफ भाग जाता है और देखो यार फिर कहाँ मिलता है। अब सस्ते सपरे के कारण यहाँ पे भी वो बच जाता है और फिर काफी देर तक हमें नहीं मिलता। तो जब तक वो नहीं मिलता मैं आपको एक सस्ती शायरी सुनाता हूँ, वाह वाह जरूर करिएगा। वो बोली मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, छोड़ो उस लड़की को जो सामने तुम्हारे खड़ी है। मैं बोला तू साइड हट, उसके बाद भी लाइन बहुत बड़ी है। वाह वाह कह गए और रह गए। ओए मेरे को भी पड़ रही है, देखो एक बार मेरे पास भी बंदा है। टावर पे तो नहीं है? हाँ वो रहा टावर पे, टावर पे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत होता है सोना मोना, यहाँ एक एक का किल फौजी का ही होना। तो यार फाइनली इस बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ, चाचा टावर में बैठे थे। तो भैया इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। अब देखो इस बात को एक कान से सुन के दूसरे से मत निकालना। कल मैंने देखा कि मैंने आपके मोबाइल का डिस्प्ले उड़ा देने की काली जबान दी, तब भैया 60,000 व्यू में 20,000 लाइक मिल गए। तो ऐसे बिना काली जबान दिए क्यों नहीं कर देते हो यार, आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आने दो, कर दो फटाक से लाइक। फिलहाल ये बंदा इस टावर वाले का टीममेट होता है, इसकी जैसे मैं पेटी बनाता हूँ तभी मुझे एक और बंदा दिखता है। जो कि हमारे सम्मानी आदमी बोट दादा होते हैं, तो इनकी मैं पेटी बनाता हूँ और फिर बैक टू बैक तीन बोट दादा मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब गोरे गोपाल में कोई भी नहीं बचा है, तभी भैया बोट की फौज आ चुकी है। लेकिन जब मैं तीसरे वाले को मारने यहाँ आता हूँ तभी देखो कैसी होता है। यार ये मेरा भाई पागल सा है। अरे इधर भी। तो अचानक से ये दो बंदे मुझे दिखते हैं और दोनों बंदे गोरे गोपाल सिटी से आए थे, तो पकड़ना पड़ेगा यार इनको। ओह
सकती है। अरे गजब भाई, जब वीडियो ही नहीं होगी वायरल तो कहां से होगी सेविंग। इस बात में सब्सक्राइब करो फौजी सीजे गेमिंग। तो भैया सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना मत भूलना, इतना प्यारा क्लच दिखाया हूँ। और ये जो शायरी मारा हूँ ये वास्तविक घटना में आधारित शायरी भैया, मजाक से हटके। पबजी के कंटेंट को यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा है, बहुत दिक्कत जा रही है कंटेंट क्रिएटर को। कर दो अनबैन अब मोदी जी, बच्चों की जान लोगे क्या? साला ये दुख खत्म क्यों नहीं होता रे। ओवर एक्टिंग, चुप। खाओ काजू या अखरोट, आशीर्वाद देने आता है बोर्ड। तो यार यहाँ पे ये लास्ट बोर्ड दादा होते हैं, तो इनका मैं आशीर्वाद लेके पोचंकी की तरफ जाता हूँ। पर उसी बीच एक बंदा बहुत ज्यादा किल कर देता है और उसका नाम होता है गोडल आइकॉनिक। तो इसको ढूंढना था क्योंकि भैया अगर ये जिंदा रहता तो हमारी आधे से ज्यादा किल चुरा लेता। बस यही काल्पनिक बातें करते करते मैं पोचंकी तक आता हूँ, पर किसे पता था कि पोचंकी आते ही काल्पनिक घटना में आधारित सीन होने वाले हैं। तो देखो यार क्या ही सीन होता है भाई। अपने साथ दो दो बंदे। तो यहाँ आते ही मुझे गोली चलने की आवाज आती है, तो मैं गाड़ी से उतरता हूँ और जहाँ से गोली चली थी उस तरफ जाने लगता हूँ। पर तभी मुझे पीछे से कार की आवाज आती है। भाग रहे बंदे, भाग रहे। नाम सुनकर फौजी का सभी जाते हैं कांप। ग्रोजा ही है जिससे आपके भाई को नहीं पड़ता है पाप। तो यार यहाँ पे इस बंदे की मैं जैसे ही पेटी बनाता हूँ तभी मुझे आगे वाले घर से फुटस्टेप आती है, तो पकड़ते हैं उसे भी। Watch out! पीछे देखो, आप पीछे उनके पास। अब एक बंदे की पेटी मैं बनाता हूँ और एक की मेरी टीममेट नैना। नैना तेरे मस्त मस्त दो नैन, मोदी जी कर दो पबजी अनबैन। जमा के ये कमेंट में जरूर बताना। अरे मेरे पे बंदा, फौजी भाई कैंपिंग कर रहे, इधर जल्दी आओ। फॉर्म अप ऑन मी। अब जैसे ही मैं यहाँ गाना गा रहा था तभी टाइगर को आगे वाले घर से फुटस्टेप आती है, तो मैं भी यहाँ आता हूँ पर मुझे किसी भी बंदे की फुटस्टेप नहीं आई थी। तो मेरे को लगा टाइगर सस्ते नशे कर रहा है, टायर वगैरह सूंघ रहा है, तो मैं निगलेट करता हूँ और तभी ये सीन होता है। तेरे मन में है खोट, आ गए हैं बोट। तो यार जैसे ही मैं बोट दादा को मारता हूँ तभी ऊपर से गोली चलने की आवाज आती है, यानी टाइगर सस्ते नशे नहीं कर रहा था। तो मैं भी एक बम बबूरा करता हूँ और देखो इससे क्या होगा। लोकेशन बम बम हो गया भाई। अरे यही था गॉड आइकॉनिक। लेके प्रभु श्री राम का नाम, कर दिया मैंने ये काम, बोलो जय श्री राम। तो यार फाइनली मैं इस बंदे की भी पेटी बना देता हूँ और इसी के साथ पूरा पोचंकी खाली हो जाता है। और ये वही बंदा होता है जिसकी हमें तलाश थी, गोडल आइकॉनिक। तो बम्बाबूरा प्लस इस बंदे के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों साथ में बनता है, तो दबाना मत भूलना। लेकिन अगर आपने पहले भी दबा चुके हो तो दोबारा मत दबाना क्योंकि गलत सीन हो जाएंगे। खैर इस बंदे की पेटी देखो, इतने तो हमारे नहीं है फैन जितने इसके पास है गैस कैन। पूरा इरेंगल घूमने की तैयारी में थे चाचा। फिलहाल देखो यार यहाँ पे सबकी मैं पेटी बना के रोजोक की तरफ आता हूँ और यहाँ आते ही देखो क्या सीन होता है। ये वाला डायलॉग सुन के मुझे बहुत हंसी आती है। बंदा बंदा फोड़ दो। अरे ओपी, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, जा बहन जा दूसरी पटा लेंगे हम, जा हैं जा। तो यार फाइनली मैं इन बंदों की भी पेटी बना देता हूँ और यहाँ से मैं टॉक्सिक गर्ल से कहता हूँ कि यार तुम कुछ कमाल नहीं दिखा रही हो, यार लगा ही नहीं रहा कि टॉक्सिक गर्ल आई हमारे में, कुछ करो। तो कहती है कि अगले बंदे को जब तुम मारोगे तो मैं गाना गाऊंगी। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो यार इसके बाद हम काफी देर तक बंदों को ढूंढते हैं लेकिन जब बंदे कहीं पे भी नहीं मिलते तभी मुझे यहाँ से स्कूल के अपार्टमेंट में एक गाड़ी ग्लिच होती है, तो मैं उसी तरफ जा रहा होता हूँ। पर तभी रास्ते में टाइगर भैया ये कहने लगते हैं, मेरी मॉम को पन्ने दिख गए हैं, मेरी मॉम शिमला मिर्च बहुत खाती है। तेरी आवाज ही कटती है यार, मैं बोल ही नहीं रहा। ओए ओए फुटाई 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 मम्मी मम्मी।
मम्मी बचा लेंगी तुमको फट से। तो यार यहाँ पे ओवर एक्टिंग कर रही थी, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। तो मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, उस बंदे को काफी देर तक ढूंढता हूँ पर वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन फिर वो अचानक से नीचे की तरफ जंप करता है, तो देखो यार कैसे पकड़ते हैं उसे। नीचे उतर आए, नीचे मेरे पास। अरे ओपी बोलते, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। एक्सेलेंट वर्क। मेरे को गाली नहीं देनी, वो मेरे को शर्म आ जाती है थोड़ी बहुत। अब मैंने इसको बोला गाने में गाली नहीं देना, तो इसने खांस दी। ये हमारी स्क्रिप्ट थी, पर उतने ही में टाइगर भैया अपना मुंह चला देते हैं और गाली दे देते हैं। हालांकि उसको मैं म्यूट कर दूंगा, पर फिर मैं दोबारा टॉक्सिक से बोलता हूँ, देखो एक काम करो, तुम दोबारा गा दो वो गाना, पहले वाला तो टाइगर ने खराब कर दिया, तो ये दोबारा गाती है, सुनो आप भी। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। रात दिन रहता हूँ एक ही आस में, कोई पापा की परी उड़ते हुए गिरेगी मेरे इनबॉक्स में। एक बार गिरी थी, पर वो पापा की परी लीखों से भरी, बहुत जुआ थे भैया उसके बाल में, नहाया नहीं करती थी, सेम टू सेम मेरे टाइप की थी यार, इसलिए छोड़ना पड़ा। अच्छा आप लोग कमेंट में बताओ, आप लोग डेली नहाते हो या हफ्ते में एक बार? और साथ ही टॉक्सिक की ये बातें सुनूं। अरे यार ये बताओ, मैंने बच्चों वाली आवाज में नहीं गाया, तीसरी बार भी गाऊं क्या? इसको भैया बहुत जल्दी फेमस होना है लग रहा है, कितना टेंशन ले रही है गाने में। अगर तुम्हें जल्दी फेमस होना है तो कमेंट में विनोद लिख दो, हो जाओगी फेमस। ओ यार मेरे को डर लग रहा है, अभी मैंने वो गाना तो गा दिया, ओजी भाई वो वाला गाना सुना मर गई तो क्या लोग बोलेंगे? एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गई, ला 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 ला। देखो भैया मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ आपको खुश करने के लिए, माफ कर देना यार बुरा लगे तो। फिलहाल देखो यार काफी देर तक उन दो बंदों को ढूंढने के बाद मैं स्कूल की तरफ आता हूँ, और तभी नैना को एक बंदा दिखता है, और देखो आप। Enemies ahead. अब देखो यार ये बंदा ऑफलाइन होता है, और आपको पता ही होगा यार मैं ऑफलाइन बंदों को मारता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको मारना पड़ेगा क्योंकि जोन के बाहर है ये, और जोन इसकी पेटी बना देगा तो कोई मतलब नहीं है। तो देखो चाचा की कैसे पेटी बनाते हैं। ठंडी में बैन है घर का फैन, और लास्ट बंदे को मारा हमने फेंक कर पैन। खैर ये लास्ट नहीं होता, इसका एक टीममेट अभी भी जिंदा है, और मैं सोच रहा था कि उसको भी पैन ही से मारेंगे, लेकिन देखो इस मैच में शुरू से अपनी बेइज्जती नहीं हुई है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अगर बंदा आक्रामक रहेगा तो मैं पैन से नहीं मारूंगा भैया, साफ साफ बोल रहा हूँ। तो देखो यार वो बंदा कहाँ मिलता है। अरे मैं तो कब से बोल रहा हूँ माइक ऑफ कर मेरा, ये रहा बंदा, रियल है, रियल है, रियल है, कोई टेंशन नहीं है बंदा। हेलो गाइस आई एम सन्नी लियोन, मैं कहना चाहता हूँ कि तकलीफ मुझे होती तो वो पूरी रात नहीं सोती, अरे कैसे बताऊँ उसके बारे में, शब्दों में बयां नहीं होती माँ। तो यार इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और साथ ही इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी।